पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने एकात्म परिसर रायपुर में किया ध्वजारोहण। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते हुए झंडा वंदन किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल सहित तमाम भाजपा नेता उपस्थित थे। 1947 की आज़ादी के बाद और इस आज़ादी को प्राप्त करने की यात्रा में और देश को आज़ाद करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने शहादत दी, अनजान हजारों लाखों लोग इसके लिए अपने आप की कुर्बानी दी। उन सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करते हुए संविधान समिति को सम्मान देते हुए निश्चित रूप से ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण होता है और हम एक संकल्प के साथ दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश होने का गौरव भारत को प्राप्त है और जिसने अपने संविधान के अनुरूप अपने देश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया और ये अपने आप में उदाहरण है कि 130 करोड़ की आबादी वाला देश अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग विचार के बाद दिन ब दिन और मजबूती के साथ एक सूत्र में बनता जा रहा है और उसके बीच की कड़ी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा जो हमें जीने का अधिकार देता है, नागरिक अधिकार देता है, मूलभूत अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं और इस संविधान को हम अपने गीता, अपने बाइबल मानकर इसके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। तो आज इस अवसर पर मेरी ओर से सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना।